दोस्तों क्या आप जानते हो दुनिया के सबसे पुराने ड्रिंकिंग मटेरियल्स में पानी चाय के बाद तीसरे नंबर पर बियर ही है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि बियर की बोतल हमेशा हरे और ब्राउन रंग की ही क्यों होती है? बताया जाता है कि इंसान एंशियंट मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन के समय से ही बियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों साल पहले बियर की पहली कंपनी प्राचीन इजिप्ट में खुली थी। तब बियर की पैकिंग ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में होती थी, पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज के चलते खराब हो जाती थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए ब्राउन रंग की परत चढ़ी बॉटल सिलेक्ट की गई। ये तरकीब काम कर गई, लेकिन वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्राउन रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। ऐसे में बियर मैन्युफैक्चरर्स को एक ऐसा रंग चुनना पड़ा जिस पर सूरज की किरणों का पूरा असर ना पड़े। तब ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया गया और ये सक्सेसफुल रहा। तब से लेकर आज तक इस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। मैदान पर छक्के छुड़ाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान, हम सबके चहेते कप्तान MS धोनी जल्द ही नए अवतार में नजर आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर MS धोनी ने अपनी ग्राफिक नोवेल अथर्व द ओरिजिन का टीजर शेयर किया है। इस ग्राफिक नोवेल में उनके एनिमेटेड अवतार को देखकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सामने आए इस टीजर में MS धोनी के सिर पर जटाएं दिख रही हैं और इसमें वो अकेले ही कई राक्षसों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह MS धोनी का ये नया अवतार छाया हुआ है। गाइज, आप धोनी के इस नए अवतार को लेकर क्या सोच रहे हैं और कितना एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।